दोस्तों स्वागत है आपका नॉलेज कोच यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में। लास्ट वीडियो हमने देखा था पेमेंट एंट्रीज कैसे करते हैं और रिसिप्ट एंट्रीज कैसे करते हैं, तो आज की इस वीडियो में कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में जानेंगे। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कॉन्ट्रा एंट्रीज क्या है। जब आप अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट ट्रांसफर करते हो तो उस केस में हमें कॉन्ट्रा एंट्रीज करनी होती है, या फिर आप अपने अकाउंट में कैश डिपॉजिट कराते हो या फिर विड्रॉल कराते हो तो उस केस में भी हमें कॉन्ट्रा एंट्रीज करनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब आप अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में अमाउंट ट्रांसफर कराते हो तो उस केस में हम क्या एंट्रीज करते हैं। चलो दोस्तों सबसे पहले आपको काउंटिंग वाउचर में जाना है। वहां पे जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रा ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है, अगर यहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ तो आपको सबसे पहले कॉन्ट्रा वाउचर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको किस अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर करनी, किस बैंक में अमाउंट ट्रांसफर करनी है वो यहाँ पे आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरे को डिपॉजिट कराना है, किस बैंक से कराना है, पंजाब नेशनल बैंक से मैं कराना चाहता हूँ तो यहाँ पे कराना है। कितनी अमाउंट, 5000 रुपये मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा पंजाब नेशनल बैंक की डिटेल, यहाँ पे आ जाएगी क्या उसका चेक नंबर था, क्या उसकी डेट थी, उसके बाद एंट्री एंटर। अब यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आपको चेक डिटेल्स यहाँ पे डालनी एंटर, और उसके बाद आपको यहाँ पे नरेशन लिखनी है जो भी आप लिखना चाहते हो, चेक नंबर इस एंड डेट जो भी आप लिखना एंटर। तो ओके दोस्तों, तो अभी हमने देखा कि आप एक बैंक से दूसरे बैंक में कैसे अमाउंट ट्रांसफर करते हो। तो अब हमारा अगला स्टेप है कि जब आप बैंक में कैश डिपॉजिट कराते हो तो उस केस में हम क्या एंट्री करते हैं, और जब विड्रॉल कराते हैं तो क्या एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जब हम अपने बैंक में कैश डिपॉजिट कराते हैं तो उस केस में हमें क्या एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हमें, जब हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 10000 डिपॉजिट करा रहे हैं तो हम यहाँ पे वो बैंक यहाँ पे सिलेक्ट करना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नीचे हमें कैश कितना, 10000 रुपए एंटर, नेगेटिव वैल्यू भर, और यहाँ पे आपको सारे डाल 5000 के मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको सारे जो नोट्स हैं, कितने कितने नोट आप डिपोजिट करा रहे हैं तो यहाँ पे आपको सारे लिखने हैं। उसके बाद यहाँ पे एंटर, और यहाँ पे आपको डिटेल डाल सकते हैं जो भी चेक कैश डिपॉजिट कुछ आप लेना चाहते हो तो नरेशन यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद एंट्री, तो दोस्तों हमारी अगली एंट्री रहते हैं, ये जो हमने एंट्री की है हमने कैश डिपॉजिट की है। अगर हम कैश विड्रॉल की एंट्री करेंगे तो वो भी हम कॉन्ट्रा एंट्री ही करेंगे। तो क्या एंट्री होगी, कैश ऊपर आ जाएगा, किस बैंक से कर रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, कितना, 15000 यहाँ पे विड्रॉल कराते। ओके, यहाँ पे चेक की डिटेल दे दी, किस चेक की लिस्ट हम करा रहे हैं, विड्रॉल करा रहे हैं, उसकी डेट आ जाएगी एंटर, और उसके बाद यहाँ पे नरेशन आ जाएगा, चेक नंबर एंड डेट। तो दोस्तों ये सिंपल है। तो आज की वीडियो हमने देखा कि आप एक बैंक से दूसरे बैंक में जब अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो क्या एंट्री होती है, जब आप कैश डिपॉजिट कराते हैं तो क्या एंट्री होती है, और जब कैश विड्रॉल कराते हैं तो उस केस में क्या एंट्रीज होती है। ओके दोस्तों।